क्या आप जानते हैं हीरो साइकिल हीरो मोटोकॉर्प कैसे बनी, या फिर इंडिया में बिकने वाली थम्स अप सॉफ्ट ड्रिंक एक इंडियन ब्रांड था? आज के इस एपिसोड में मैं आपको इंडिया की तीन सबसे बड़ी कंपनियों की सफलता की कहानी बताने वाला हूँ। नंबर एक, आज से तकरीबन 75 साल पहले ब्रिजमोहन लाल मुंजाल अपने तीन भाइयों के साथ पाकिस्तान छोड़कर अमृतसर आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट्स का कारोबार शुरू किया। समय के साथ कारोबार में तरक्की हुई और उन्होंने सन 1954 में हीरो साइकिल्स लिमिटेड की स्थापना की। हीरो साइकिल्स 1975 तक देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन चुकी थी। सन 1986 में हीरो साइकिल का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ। साइकिल की दुनिया में बुलंद परचम लहराने के बाद हीरो साइकिल्स ने टू व्हीलर कंपनी की शुरुआत की, जिसे हीरो मैजेस्टिक के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी शुरुआती दौर में मैजेस्टिक स्कूटर व मोपेड बनाती थी। इसके बाद कंपनी ने 1984 में जापान की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा के साथ हाथ मिलाया और यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी के सफर की शुरुआत हुई। जापानी कंपनी के साथ हाथ मिलाने के बाद नई कंपनी हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई और इस कंपनी ने 13 अप्रैल 1985 में हीरो होंडा की पहली बाइक सीडी 100 को लॉन्च किया। हीरो और होंडा का ये साथ देश की धड़कन बनाकर प्रचारित किया गया और ये कंपनी देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बन गई। नंबर दो, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप एक इंडियन ब्रांड था, जिसकी शुरुआत पार्ले ग्रुप के चेयरमैन चौहान ब्रदर्स ने की थी। चौहान ब्रदर्स ने थम्स अप की शुरुआत तब की थी जब 1977 में विदेशी कंपनियों को इंडिया में बैन कर दिया गया था, जिसके चलते ही दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला को भी भारत छोड़ के जाना पड़ा। चौहान ब्रदर्स ने सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट को समझा और मौके का फायदा उठाकर थम्स अप नाम की एक सॉफ्ट ड्रिंक शुरू की, जो देखते ही देखते भारत की पसंद बन गई। लेकिन जब 16 साल बाद विदेशी कंपनियों पर बैन हटा, तब कोका कोला ने इंडिया के मार्केट में फिर से वापसी की, लेकिन तब तक थम्स अप ने सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया था। तब कोका कोला ने चौहान ब्रदर्स से थम्स अप कंपनी बेचने को कहा और अगर नहीं बेचोगे तो हम पूरे इंडिया को एक साल तक कोका कोला पिलाएंगे, और इसी बात से डर कर मजबूरन उन्हें थम्स अप को बेचना पड़ा। नंबर तीन, पल्स कैंडी, पास पास, चिंगल्स, रजनीगंधा और बाबा इलायची तो आप सभी ने खाया ही होगा। क्या आप इन्हें बनाने वाली कंपनी का नाम जानते हैं? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। मार्केट में लगातार बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से डीएस ग्रुप कुछ साल पहले तक घाटे में चल रहा था। 8 साल पहले मार्केट में खुद को बनाए रखने के लिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला किया। अब सवाल ये था कि आखिर नया प्रोडक्ट लाया जाए तो क्या। इस दौरान किसी ने कैंडी लाने की सलाह दी, इसलिए मार्केट की रिसर्च की गई। कई महीनों तक ग्राहकों के टेस्ट को जानने के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि भारतीय ग्राहक आम या कच्ची आम की बनी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं और कैंडी का करीब 50% मार्केट आम के प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है। साल 2013 में कंपनी ने पल्स कैंडी बनाने का काम शुरू किया। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2015 में कंपनी ने पल्स कैंडी मार्केट में लॉन्च कर दी। इस दौरान कंपनी ने इसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाई और सीधे ही मार्केट में भेज दी। जब धीरे धीरे ग्राहकों को इसका स्वाद पसंद आने लगा तो कंपनी ने इसे शहरों के साथ साथ गांवों में भी पहुंचा दिया। कंपनी को उम्मीद थी कि पल्स अच्छा काम करेगी और हुआ भी यही। अगर आज के इस एपिसोड में आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।